देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल, एक बार जो खाए यहाँ बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद तकी हुसैन आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। बिहार और आसाम में तबाहकुन सैलाब ने लाखों अफराद को अपनी लपेट में ले लिया है। कोरोना बहरान के दौरान होने वाली इस तबाही ने लोगों की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक बनी हुई है। बिहार के कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रियासत के 9 से 10 अजला सैलाब से बुरी तरह मुतासर हैं। रियासती आबी बोर्ड के चेयरमैन का कहना है कि अगले 4 से 5 दिन तक बड़े दरिया मुतासर अजला में खतरे के निशान से ऊपर बह सकते हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में 24 जुलाई की रात से 10 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। हुकूमत इस मुद्दत के दौरान अशिया जरूरिया की सरबराही को यकीनी बनाएगी। इसी बीच भोपाल में कोरोना के वबा के फैलाव को रोकने के लिए जुमा 24 जुलाई की रात 8 बजे से लॉकडाउन नाफिज़ किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के रिकॉर्ड 45,000 नए मामले सामने आने के बाद मुतासर अफराद की तादाद 12,38,000 से ज्यादा हो गई है और एक ही दिन में 1,000 अफराद हलाक हुए, जिसके बाद हलाक शुदगान की तादाद 29,868 हो गई। कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन को कोवैक्सीन के इंसानी तजुर्बे के लिए मुंतखब उम्मीदवारों को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में हफ्ते तक कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दे दिया जाएगा। एम्स में वैक्सीन के इंसानी तजुर्बे की रहनुमाई कम्युनिटी मेडिसिन महकमे के सरबराह डॉक्टर संजय राय ने कहा कि इंसानी तजुर्बे के लिए मुंतखब उम्मीदवारों की पीर को हेल्थ स्क्रीनिंग की गई थी। हेल्थ स्क्रीनिंग के तमाम रिपोर्ट आने के बाद जुमा को पहला डोज दिया जा सकता है। अखिलती माशरे की तरक्की के लिए अखिलती इदारों का क्याम जल्द अज जल्द किया जाए और अखिलती बरदरी और मुसलमानों को तालीम और उनकी माशी तरक्की की जाए और वक्फ बोर्ड, मौलाना आज़ाद, मालियाती कॉरपोरेशन वगैरह जैसे तमाम इदारों को फ़ाल बनाया जाए। ये मुतालबा समाजवादी पार्टी के MLA अबू आसम आज़मी ने किया है। इन्होंने वज़ीर आला उद्धव ठाकरे, बाला साहब थोराट और शरद पवार को एक मकतूब रवाना किए। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की अर्जी को तस्लीम करते हुए ज्यादा वजीरों के मामले पर शिवराज हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को कांग्रेस अपने लिए कामयाबी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर कानून PC शर्मा का कहना है कि हमारे लिए राहत ये खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी दरख्वास्त पर समाअत की और शिवराज हुकूमत को नोटिस जारी किया है। शिवराज हुकूमत को अपने 4 वजीरों को काबीना से कम करना होगा और 4 वजीरों के कम करने को लेकर ही अब हुकूमत में नया फसाद शुरू होगा। पटना के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लगभग 400 नर्सिंग स्टाफ ने 6 नुकाती मुतालबात की हिमायत में जुमेरात को हड़ताल शुरू कर कोरोना वबा से जंग लड़ रहे बिहार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, जबकि स्टाफ की कमी की वजह से कई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। बाबरी मस्जिद शहादत मुकदमे की खसूसी CBI अदालत में मुरली मनोहर जोशी ने अपने रिकॉर्ड के बयान में कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इस मुकदमे में बेकसूर हैं और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने इन्हें फंसाया है। इसी मुकदमे में अदालत ने साबिक मरकजी वजीर दाखला लाल कृष्ण अडवाणी का बयान 24 जुलाई को रिकॉर्ड करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दफा 313 के तहत अडवाणी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। सऊदी खबर रसा एजेंसियों के मुताबिक सऊदी के फरमानरवा शाह सलमान के पिते का ऑपरेशन कामयाब हुआ है। डॉक्टर्स के मुताबिक शाह सलमान अभी कुछ वक्त और हॉस्पिटल में रहेंगे। 84 साल शाह सलमान को पिते में तकलीफ के बाईस 3 रोज कबल रियाज के किंग फैसल अस्पताल में दाखिल किया गया था। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 2015 से सऊदी अरब के बादशाह हैं। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजामिया ने कोरोना वायरस के बाईस मस्जिद को बंद करने के तारीखी वाक़े पर एक दस्तावेजी फिल्म तैयार की है, जिसका टाइटल जारी किया गया है लकल हम। वेबसाइट के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म में कोरोना के बाईस मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ें मौतल करने के आगाज़ से लेकर हिफाजती तदाबीर की बहाली तक वाक़ियात दिखाए गए हैं। गुज़िश्ता रमज़ान मुबारक में मस्जिद नबवी की तारीख का पहला रमज़ान ऐसा रहा है जिसमें ना फ़र्ज नमाजें अदा की गई, ना तरावी पढ़ी गई और ना ही इफ्तार के दस्तरखान बिछाए गए। इस अहम वाक़े को फिल्म का एक हिस्सा बनाया गया है। बाबा फसीउद्दीन डिप्टी मेयर JHMC ने रियासती वजीर KTR की यौम पैदाइश के पेश नज़र आज मक्का मस्जिद पहुंचकर मस्जिद में जरासीम कुछ अद्वियात के छिड़काव के लिए स्प्रे मशीनों का अतिया दिया है। ईद उल अज़हा के पेश नज़र पुलिस कमिश्नरेट साइबराबाद में कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद VC संजनार के क़यादत में मुख्तलिफ महकमाजात के आला अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया गया।
इस इजलास के बाद कमिश्नर वीसी संजनार ने ईद उल अजहा में अमन अमन की बरकरारी और दीगर मोड़ पर पुलिस और दीगर महकमों की जानिब से मुकम्मल तालमेल बनाए रखने की आवाम से अपील। ये थे हमारे खबरों का प्रोग्राम खबरें रफ्तार से, इसी तरह आगे भी आपसे रूबरू होते रहेंगे। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़। दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज़ और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक की आवाज़।